रहने मिलने आ जाते हैं। ये आपका ममकोट है वो तो मिलना आना ही पड़ता है। यहाँ से जाते हैं दीदी के ससुराल को। तो यहाँ देखो, यहाँ ऐसी रोड बनी हुई है कि इस रोड पे ही तालाब। देखो ये नानी का घर। हम भी हैं जोश में, बात देख कर होश में। आओ चलो बाय सभी को। और यहाँ की लैंग्वेज और हमारी वहाँ की लैंग्वेज ना एकदम बहुत सेम है। तो हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारा यहाँ से वापसी का दिन। अभी हम थोड़ी देर में 8:30 बजे नाश्ता वास्ता करके फिर यहाँ से जाएंगे हम सीधे देवसारी को ग्वालम होते हुए। और अभी हम ले रहे हैं चाय का मजा। और मौसम आज का बढ़िया, और का हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, बादल भी लगे हुए हैं। थोड़ा हमको वहाँ पता करना पड़ेगा कि बारिश हो रही है उधर को या रोड ब्लॉक है नहीं है। अभी करते हैं हमारे लोगों की पूजा पाठ हो रही है अभी, और तो थोड़ी देर में निकलते हैं हम यहाँ से। चलो हाँ बढ़िया। नमस्कार अभी हम चले गए हैं बिलकोट से देवसारी की ओर को। और बढ़िया लगा सबसे मिलके ना। बढ़िया लगा नहीं लगा? बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। तो हर महीने मिलने आ जाते हैं। सही है, आपका ममकोट है वो तो मिलना आना ही पड़ता है। कल रात हमने काफी देर तक गपशप मारी, 12, 10, 11, 12 बजे तक, क्योंकि सभी लोग फिर पुरानी पुरानी बातें निकाल लेते। तो 12-1 बजे तक गपशप लगाई, फिर सोए। फिर गपशप तो पूरी नहीं होती जब तक साथ रहो तो। और अभी हम चल दिए हैं, 9 बज रहा है टाइम। और मौसम भी आज ख़राब जैसा लग रहा है, तो देखते हैं उधर। रोड तो सही है उधर की, देखते हैं कैसा होता है। अभी हम हैं पिंगलो बैंड पे। यहाँ से जाते हैं दीदी के ससुराल को। दीदी को यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। ये दीदी ग्वालदम है 12 किलोमीटर, और यहाँ से है ग्वालदम 13 किलोमीटर, और कनप्रयाग है 77 किलोमीटर। तो ये भी लास्ट इधर से, फिर ऊपर ग्वालदम से उधर को गढ़वाल लग जाता है। तो हमने जाना है इधर ग्वालदम वाली रोड को। अभी हम हैं ग्वालदम बाजार में, और ये है नानी वाले, जहाँ को नानी जाते ना, देवसारी वाली रोड है। अभी हम जा रहे हैं अब ग्वालदम से देवसारी की ओर। रास्ता ठीक है बोल रहे तो चलते हैं। आ रहे बोल बरखाने। लोग जंगलों में आ चुके हैं बकरे लेके। देखो घास काटने, घास वास काटने भी बकरे भी चराने। घास कदू बोला वो रहने थी ना, कदू में घास हमारे तो कदी खास नहीं से। जंगल हो गया रे। अभी हम है जीरो बैंड पे। ये वाली रोड चलेगी नंद केसरी वाली, और ये जा रही है देवसारी को। मनोज भैया भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो पहले ये पुल नहीं था, अब ये पुल बन गया। देखो पहले उधर से थी रोड, वहाँ से जहाँ पे वो औरत है, अब ये पुल बन गया तो सही हो गया। ऊपर से कुछ गदेरा वगैरह भी आएगा तो हाँ दिक्कत नहीं आएगी। खाली पुल बनाइए दी, एक पुल और है आगे। बढ़िया। तो यहाँ देखो, यहाँ ऐसी रोड बनी हुई है कि इस रोड पे ही नदी बनी हुई है, एकदम तालाब। देखो ऐसी रोड बना रखी है। ठेकेदार होगा जो, उसने सोचा होगा लोग नहाने कहाँ जाएंगे, रोड पे ही नहा लेंगे, तब ठेकेदार ने ये वाली रोड बनाई। दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखो पूरा पानी भर रहा है। और दूसरा पुल बना है इधर से, खतरनाक। गाड़ी कर दी है हमने यहाँ पे पार्क, और हम हैं अभी देवसारी में। नानी लोग ऊपर चले गए, और मैं भी जा रहा हूँ माठू पर को। यहाँ की भी बहुत सारी यादें हैं पुरानी। यह नानी का घर घेड़वा।
ये है नानी का घर। ये सेब का पेड़। नानी आते ही लग गई है काम पे। देखो ये भी है, रात को भागना है ऊपर करके। ये पूरा ऐसे ऐसे बंद कर देते थे इसको। सारा सिस्टम है इधर। यही रहते थे हम पहले नानी के वहाँ जाता था। आलू खाएंगे भालू। थेचो वाला आलू छे थिजोन वाला आलू छे। तो थीज ले तू ले जाके के। और इधर क्या है देखो, यहाँ लाइट का बनी है। लाइट पोरू बनी के खालो से खा। क्यों चैन नहीं है नानी को भी, आते ही काम करने लग गई है। मम्मी भी लग गई है काम पे। हम आए आलू के मालकिन। तो बिहार पूछ ले, मुझे नहीं पता। फिर हम जाते दादी, रुकते नहीं बरखा है ना, तो लेट नहीं कौन ना, खाली क्यों रुके। फिर भी देखो ना, मेरे साहब नहीं कौन के तू। नानी आ गई है फुल जोश में। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में। नानी तो हिल हिल। नानी ये टूट, नानी टूटा नहीं क्यों? ये हरेश गुलाब ने। हाँ मैं देहरादून गीता हूँ, वहाँ पे आया हूँ। हाँ कैसी बढ़िया है देखो, सफेद वाल। हाँ पहले ना ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, आदमी अपना गुजर बसर खेतों में और ये सब चीज़ों में ही करता था। तब इनको इस चीज़ से ज़्यादा लगाव है। पहले तो आराम कहाँ होता था, ये लोग ऐसे ही लगे रहते थे सुबह से शाम तक। तभी अभी भी ऐसी है नानी, देखो अपने यहाँ आके तो पूरा काम वाम कर रही है। लोभ लालच हुआ ये एक जिंदगी का। ओ अभी जा भरा आपके खाना हुआ। ताई की नानी, ताई के कहाँ, ताई क्या करें? ओ ताई नहीं, हम खा रहे हैं खाना। खाली गाड़ी में नीचे नहीं। आओ चलो बाय सभी को। आ जा चल, हमारे साथ नहीं आ रहा तू हैं? मेरा अब तो कोई नहीं काटता इधर का घास ना, पहले कितना सही। तो अब हम भी निकलते हैं देवसारी से लोल्टी के लिए। चलो फिर लेट्स गो। आलमोसो बोली अभी हम हैं श्रीगढ़ में। भगवान इतना आलू को तत्ती दर्द। मामा लोगों के वहाँ पे मामा ला रहे हैं आलू। और डिग्गी इतनी फुल भर गई थी। अभी हम हैं ग्वालदम में, देखते हैं इधर इधर जरूर जरूर बंद है।
बारिश लग चुकी है हमको काफी, मोटी बारिश। और बालदम से हम नीचे को आ रहे हैं थरारी को, लोल्टी को। चारों तरफ सन्नाटा हो रखा है, नींद जैसी आ रही है, हल्की हल्की नींद आने लगी है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं तुंगेश्वर बाजार में और गाड़ी हमने कर दी है पार्क। अब हम चलते हैं, बारिश थोड़ा बंद होगी तो फटाफट हम अब चलते हैं तुंगेश्वर की लोल्टी की ओर। दोस्त और मैं लल्लू, ओ लल्ली, काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया हमारे पास अभी, और इतना सामान मेरे पास है। ताई आ रही है अभी पीछे से और नानी आगे चली गई है, बारिश भी लगी है थोड़ा बहुत। होता अच्छा हुआ कि बारिश थोड़ा रुक गई है, इस वजह से हम अभी जा पा रहे हैं, वरना किसी को छाता लेके बुलाना पड़ता फिर से। तो फाइनली इतनी मशक्कत के बाद 5 बजे के आसपास हम पहुँच चुके हैं घर पर, और अभी हम कपड़े उपड़े, भीगे हुए कपड़े उतारते हैं, फिर पीते हैं चाय, तब जाके होगा कुछ काम। बारिश भी लगी यार, वो तो अच्छा हुआ, अब थोड़ा तेज़ बारिश बढ़ गई है, तो हमारे तो थोड़ा धीमी धीमी बारिश है तो सही रहा, ज़्यादा भीगे नहीं हम, पर गीला कपड़ा, गीला वो पहनना ना सही नहीं होता। उतार नानी ये ओ। तो अभी लगी है बारिश और मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, वो उधर सामने वाले घर पे। लोग अभी भी खेतों में ही, देखो। तो दूध लेके मैं आ रहा हूँ अभी घर को, और यहाँ की लैंग्वेज और हमारी वहाँ की लैंग्वेज ना एकदम बिल्कुल मतलब बहुत सेम है, मतलब क्योंकि ये लोग भी बॉर्डर पे रहते हैं और हम लोग भी जैसे बॉर्डर पे रहते हैं कुमाऊँ और गढ़वाल के, तो बहुत मिलती जुलती है हमारे यहाँ की लैंग्वेज भी इनसे। मौसम तो बढ़िया और का, कल नहीं होनी चाहिए बारिश वरना कल हमको ऊपर के रास्ते जाना पड़ेगा जहाँ से हम आए। टाइम हो चुका है 9 और बारिश कंटिन्यू लगी हुई है आज, तो कल अगर बारिश रहेगी तो हम ऊपर के रास्ते जाएंगे, जहाँ से हम आए तो वही रास्ते जाएंगे हम, कोसानी सोमसर होते हुए, क्योंकि इस रास्ते जाना ना काफ़ी खतरा है इस रास्ते। तो यहीं पर अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए सुबह के साथ। अभी सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट।